नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में खुलने वाले स्कूल के बारे में। कोरोना ने अपनी चपेट में आम नागरिकों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा समेत कई क्षेत्र को लिया है। हालांकि समय समय पर कोरोना की मार के बाद लगभग सभी क्षेत्रों ने दोबारा से उठने की हिम्मत भी दिखाई और उसमें सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। हालांकि शिक्षा विभाग के साथ ऐसा नहीं हुआ। लगभग एक साल तक बंद पड़े शिक्षण संस्थानों ने इस साल के शुरुआत में स्कूल खोला भी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण एक बार फिर से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर ताला लगाना पड़ा, जिसके कारण छात्रों का भविष्य फिलहाल धुंधला नजर आ रहा है। वहीं इन सब के बीच अब सरकार ने एक बार फिर से शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार छात्रों की सहूलियत के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख के बाद से स्कूल खोलने का फैसला सुनाया जा सकता है। हालांकि स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोरोना की वर्तमान स्थिति में सुधार होता रहा तो सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज को खोलने का निर्देश देगी। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पढ़ाई बेशक बेहद जरूरी है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। किसी भी सूरत में सरकार बच्चों की जान जोखिम में डालने का काम नहीं करेगी और बच्चों के जान जोखिम में डालकर स्कूल खोलने का आदेश जारी नहीं करेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो स्कूल कॉलेज का संचालन एक योजना के तहत किया जाएगा, जिसके तहत सबसे पहले सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को खोलने वाली है। दूसरे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक को खोला जाएगा, जिसके बाद तीसरे चरण में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक खोलने की योजना पर काम होगा। हालांकि इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। भले ही कोरोना की रफ्तार के धीमे होते ही शिक्षण संस्थानों को खोला जा रहा हो, लेकिन छात्रों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए फिलहाल स्कूल में केवल 50% छात्र ही कक्षा में उपस्थित हो सकेंगे। यानी कि एक दिन जिन 50% छात्रों ने कक्षा में अपनी हाजिरी दी है वो अगले दिन कक्षा में नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जगह बचे हुए 50% छात्र कक्षा में अपनी हाजिरी देंगे। इसके साथ ही स्कूल खोलने के फैसले के बाद यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक जिले में खुलने वाले स्कूल कॉलेज में प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से हो। आपको बता दें, कोरोना के बहुरूपिया होने के बाद से स्कूल कॉलेज पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। खासकर छोटे बच्चों के लिए यह समय और ज्यादा मुश्किलों भरा है। शिक्षा विभाग के सामने अभी उनकी पढ़ाई को पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको पूरा करने की कोशिश शिक्षा विभाग भी लगातार करता जा रहा है। हालांकि इस बार वैज्ञानिकों ने अभी से ही सभी राज्यों को तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं, इस संभावित तीसरी लहर को सबसे ज्यादा बच्चों के लिए प्रभावित बताया जा रहा है, जिसके बाद से ही शिक्षा विभाग के लिए स्कूल कॉलेज खोलना और छात्रों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हालांकि सरकार की यही कोशिश है कि कोरोना के कारण अंधेरमय हुई छात्रों के भविष्य में थोड़ी सी रोशनी लाई जाए और स्कूल कॉलेज में बच्चों की रौनक फिर से लौट आए। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण कई परीक्षाओं को भी रद्द किया गया है, जिसका असर भी देश के भविष्य कहलाए जाने वाले छात्रों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार अगले महीने की 6 तारीख के बाद से स्कूल कॉलेज खोल देना चाहिए या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।